कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोए। 400 करोड़ का अगर आपको प्रति वर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलाएंगे? समाजवादी पार्टी की नेता डॉक्टर रागिनी सोनकर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर काव्यात्मक तंज किया है। उन्होंने कविताएं कहकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खूब तीखे तीर छोड़े हैं, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर सोनकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिजली एक ऐसी चीज है, चाहे वो एक गरीब की झोपड़ी हो चाहे अमीर का महल, यहाँ तक कि रामलला के मंदिर में भी अध्यक्ष जी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली विभाग के द्वारा 4000 किलोवाट तक की ज़रूरत है, और अभी फिलहाल में वहाँ पे 1600 किलोवाट तक की जो है मंदिर को भव्य बनाने के लिए आपके द्वारा सुचारू रूप से दिया जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि चाहे वो रामलला जी का मंदिर हो या एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे वो एक अस्पताल हो, चाहे एक गरीब हो अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए बिजली बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब भी जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पे सवाल होते हैं तो बार बार आम और बबूल की बात आ जाती, तो मैं मंत्री जी का समय न नष्ट हो और साथ ही साथ सदन का भी महत्वपूर्ण समय न नष्ट हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोए। अध्यक्ष जी, बार बार आम बबूल की बात करते हैं, तो अगर आपने आम लगाया है तो आप आम बांटिए तो सही। खैर, उनकी इस कविता पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके लिख बताइए।